हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो CHSL 2019 का है जो अभी स्टेट प्रेफरेंस आने वाला है कुछ टाइम बाद। अभी सबका पहले नॉमिनेशन आ जाएगा सारी स्टेट का, उसके सारे रीजन का, उसके बाद प्रेफरेंस आएगा। ठीक है, तो सबको ये डाउट है कि मुझे नॉर्थ साइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा या कहाँ पे मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आपके चांसेस कितने हैं या मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो पहले तो ये वैकेंसी का है। ठीक है, तो ये वैकेंसी है, तो अपन देखेंगे नॉर्थ साइड में कितनी वैकेंसी है और आपको कितने चांसेस हैं आपके। तो ये वैकेंसी पूरी है, PASA का वीडियो होगा ये। ठीक है, और उसी की है क्योंकि अभी नॉमिनेशन आना स्टार्ट हो गए, MP का आ चुका है, फिर 15 तारीख तक सबके आ जाएंगे और फिर उसके बाद उसका स्टेट प्रेफरेंस आएगा। ठीक है, तो जिसको नॉर्थ चाहिए तो देख सकता है वीडियो, अब मैं बताऊँगा। देखो, अब मैंने इसका किया कि इनका सबका स्टेट जो नॉर्थ साइड में जो मोस्टली हैं वो स्टेट ले लिए। ठीक है, तो ये देखो, और मोस्टली नॉर्थ साइड क्या क्या होता है, या तो स्टेट नॉर्थ में हो या तो मोस्टली हिंदी वाले, जहाँ पे हिंदी वाले चल सके। ठीक है, क्योंकि मोस्टली नॉर्थ के साइड के बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर साउथ में वो पहुँच जाए तो वहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये सब आएगा। और फिर अगर पोस्ट ऑफिस में आपकी जॉब लग गई, सब ऑफिस में, सर्कल ऑफिस में लग गई तो ठीक है, सब ऑफिस में लग गई तो वहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी, फिर वो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो देखते हैं कितना क्या है। देखो, छत्तीसगढ़ में ये सारी नॉर्थ की है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो जैसे आप जब स्टेट प्रेफरेंस भरोगे तो आप ये स्टेट आप कंसीडर कर लेना। ठीक है, जैसे कोई दिल्ली से है तो दिल्ली के पास पास वाले कितने हैं, जैसे दिल्ली के पास कौन है, MP भी है, राजस्थान भी है, UP भी है, ठीक है, हरियाणा भी है, तो ये आप कंसीडर कर लेना कि हाँ मेरे को इसमें लेना है। ठीक है, स्टेट प्रेफरेंस के लिए। अब मैं बताता हूँ कि कैसे आप चेक करें अपना कि मुझे नॉर्थ मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि साउथ मिलेगा। तो देखिए, टोटल अगर आप देखें इसमें तो टोटल पोस्ट कितनी हो गई नॉर्थ नॉर्थ की, नॉर्थ नॉर्थ की कितनी पोस्ट है टोटल, 2454। ठीक है, तो नॉर्थ नॉर्थ की कितनी है, 2454 है, ये 2454 जो है टोटल नॉर्थ में है, नॉर्थ साइड में। ठीक है, नॉर्थ साइड में टोटल इतनी पोस्ट हैं, ये सारे नॉर्थ के हैं स्टेट, तो ये इतनी पोस्ट हैं 2454। तो ये तो आप मान के चलो कि जिसकी 2454 के अंदर जो रैंक होगी, PASA का अलग से रैंक निकलेगा ना, तो 2454 के अंदर जो रैंक होगी, 2454 के अंदर जो रैंक होगी तो उनको नॉर्थ स्टेट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चाहे कोई भी मिल जाए, आपके भरने के ऊपर है, तो वो नॉर्थ जो स्टेट है इनमें से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा 2454। और लगभग कितने से, लगभग आप ले लो 2700 के अंदर, 2700-2800 इसके अगर आपके अंडर है रैंक तो आपको नॉर्थ जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि कुछ इसमें CGL के भी होंगे, कुछ CPO के भी होंगे, क्योंकि वो DV तो देने गए होंगे क्योंकि लेट आया था CGL का रिजल्ट, तो इसलिए तो वो शायद नहीं ज्वाइन करेंगे, आगे की प्रोसेस नहीं करें, प्रेफरेंस वगैरह नहीं भरें, तो इसलिए आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, जैसे अभी MP का नॉमिनेशन आया है तो आप हो दिल्ली से, तो आप क्या करो, MP का नॉमिनेशन आया है तो आप इसको डाउनलोड कर लो नॉमिनेशन को। ठीक है, फिर आप ये चेक करो कि यहाँ पे से UR के 41 है, 41 है, मगर वहाँ पे सिलेक्ट कितने हुए होंगे टोटल, जैसे इसमें पोस्ट कितनी है 100 हैं, मगर वहाँ पे सिलेक्ट कितने हुए हैं, लगभग 210 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि आप UR में ये देखना कि जैसे आपकी रैंक 1800 है, 1800 रैंक है, ठीक है, UR में, तो आप ये चेक करना कि MP स्टेट में 1800 से कम कितने हैं, मतलब 1700-1600 तो आपको नहीं मिलेगी, 1800 से ज़्यादा कितने हैं। ठीक है, अगर 1800 से कम, 1800 से ज़्यादा वाले ही सब सिलेक्ट हुए हों तो आप फिर MP स्टेट भर देना, क्योंकि आप नॉर्थ के चाहिए ना, तो आप MP स्टेट भर देना, तो इससे क्या होगा, आपका सबसे नाम ऊपर रहेगा उसमें UR कैटेगरी में, तो आपको चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे MP मिलने के। यही केस आप दिल्ली के संग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका नॉमिनेशन निकलेगा, अगर आप 300 के अंदर में आ रहे हो तो ठीक है, आपका हो जाएगा। अगर उससे बाहर भी आ रहे हो तो आप ये देखना कि आपको दूसरी स्टेट में आप कौन से नंबर पे आ रहे हो, समझ में। मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया, उसमें मैंने SC कैटेगरी का बताया था कि SC कैटेगरी में MP में टोटल 17 बच्चे सिलेक्ट हुए। ठीक है, 17 बच्चे, और पोस्ट कितनी हैं, 12 पोस्ट थी उसमें, तो 17 बच्चे में से जो टॉप 12 होंगे उन्हीं को तो मिलेगा 12 पोस्ट। ठीक है, और उसमें से भी टॉप 12 में से भी ये होगा कि अगर कोई दूसरी स्टेट का भर दे उन टॉप में से तो फिर उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप चेक करना पूरा,
और ऐसे आप अपनी रैंक निकाल सकते हो, रैंक तो निकाली गई है, ऐसे आप अपने लगा सकते हो कि आपको नॉर्थ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये मैंने बता दी है टोटल कितनी है, देखो यू आर की टोटल 1206 है, तो लगभग 1200 बच्चों को तो नॉर्थ मिली जाएगा। ठीक है, देखो 1206 इसमें OBC की इतनी है टोटल, SC की इतनी है, नॉर्थ साइड की है सारे स्टेट देखो। ठीक है, और जिसको दिल्ली 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 वाला है वो तो पहले दिल्ली भरेगा, फिर दिल्ली के क्लोज जो जो है स्टेट, जैसे हरियाणा हो गई और MP भी हो गया, UP भी हो गया, राजस्थान हो गया, तो फिर ये फिल करना। ठीक है, तो नॉमिनेशन में अपना चेक कर लेना कि आपकी रैंक कितनी ऊपर है, ये आपकी रैंक के जो ऊपर हैं वो सब सेलेक्ट हैं, तो आप फिर वो स्टेट पहले फिल कर देना, तो जिससे आपको वहाँ पर आप टॉप पर हो जाओगे। तो इस तरीके से आप स्टेट प्रेफरेंस भर सकते हो और अपना स्टेट आप ले सकते हो या आपके अपना क्लोज वाला ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू वेरी मच।